हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का और अभी मैं बाहर हूँ। ये देखिए, आज का मौसम बहुत तेज़ वाला बादल है, एक दो बूंद भी पड़ रही हैं। और मैंने ना कपड़े डाल दिए थे धुल के, तो थोड़ा सा पानी तो इनको नचुड़ गया है। ये ना मैंने मॉल से इनकी टी शर्ट ली थी, ज्ञान भी थी, तो नए कपड़े मैं जब भी लेती हूँ तो मैं उनको धुल देती हूँ, उसके बाद ही पहनाती हूँ, चाहे अपने हों, चाहे इनके हों, चाहे ज्ञान भी के हों। तो काफ़ी तेज़ हो गई है बूंदें। तो इधर देखिए, ज्ञान भी चला रही है अपने पापा का नया वाला फ़ोन और पापा इनके सो रहे हैं। ज्ञान भी ने 3 दिन पहले अपने पापा का पूरा फोन तोड़ दिया था, बिल्कुल ही तोड़ दिया, वो बिल्कुल चल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे मजबूरन ये फ़ोन मंगाना पड़ा। तो खर्चे पे खर्चा बहुत जल्दी हो जाता है और ज्ञान भी ना बहुत मोबाइल तोड़ती हैं। इससे पहले मेरा एक रियलमी का फ़ोन था, वो इन्होंने तोड़ दिया था। और ऐसे ही 8-9 महीने पहले इन्होंने मुझे एक फ़ोन दिया था, ये तेलंगाना से लेके गए थे। उस वो फ़ोन थोड़ा महंगा था, शायद 32,000 का था, 32 का था, 31 का था, ओप्पो F21 ये वाला फ़ोन था। तो वो फ़ोन हम जैसे ही इन्होंने मुझे दिया, वो फ़ोन मैंने ओनली 4 से 5 दिन नहीं चला पाया वो फ़ोन। इन्होंने क्या करा, हमारा जो ससुराल वाला मकान है वो 4 मंजिल तक है, तो हम सबसे ऊपर थे, ये लिए थी, तो इन्होंने क्या करा, ऊपर से डाला तो 4 जाल पड़े हैं। और ये भी देखिए किस्मत फ़ोन की कि जाल के नीचे वो गिरता ही गया, कहीं भी अटका भी नहीं कि जिससे वो बच जाता। तो वो इतना टूट गया था कि वो सुधरने की भी हालत में नहीं था। जब हम सर्विस सेंटर पे गए उसको लेके ओप्पो वाले पे, तो वो बोले कि पहली बात तो ये इसमें सुधरने लायक ढंग से कुछ रहा ही नहीं है, सुधर भी जाएगा तो ज़्यादा चलेगा नहीं और आपका खर्चा भी लगेगा इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि हम जो करेंगे वो तो कर देंगे, थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा खर्चा और लगेगा, जबकि गारंटी में था, क्योंकि ज़्यादा दिन इन्होंने यहाँ पे 1 महीने पहले ही ख़रीद लिया था इसको और उसके बाद फिर मुझे दिया था। मैंने सिर्फ 5 बस ये उन्होंने ऑन कर लिया था, सेटिंग वगैरह उसकी नहीं की थी, सिम वगैरह नहीं डाली थी, सिम हमने घर पर ही डाली थी। तो इस चक्कर में वो एक फ़ोन तोड़ दिया। अभी रियलमी का मेरा रखा है, वो सुधर जाएगा, पर यहाँ क्या है कि उसकी जो फोल्डर है, फोल्डर पढ़ने को है, वो उसमें फोल्डर हम एक बार पढ़वा चुके हैं, घर पे पढ़वाया था, ओरिजिनल वाला पढ़वाया था, तो पड़ा था 1300 रुपये का, 6 महीने की गारंटी थी। जो एक जानने वाले भैया है, मेरे भाई का फ्रेंड है, उन्होंने डाला था तो कम रेंज में डाल दिया था। अब यहाँ पे मैंने जब उसका पूछा तो 1900 का बता रहे हैं बिना गारंटी का और 2900 का बता रहे हैं गारंटी का, तो मैंने नहीं डलवाया, क्योंकि और वहाँ पे 700 रुपये का बिना गारंटी वाला डल रहा, तो इसलिए मैंने नहीं डलवाया। तो फिलहाल वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं। जो भी आज मैंने जो फ़ोन मंगाया था उसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने जो भैया देने आए थे उन्हीं से करवाई थी, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चलता है, आप सबको पता है, तो मैंने नहीं की थी, उनसे ही मैंने कहा भाई इसको ओपन करो, तो उन्होंने ओपन करके मुझे दे दिया। मैंने कि नहीं, आप पूरा इसको निकाल के दो मुझे, और उन्होंने ही पन्नी वगैरह उसकी हटाई थी। तो फ़ोन ठीक है और ज़्यादा महंगा नहीं मंगाया, क्योंकि ज्ञान भी ना बहुत जल्दी तोड़ देती है। इसकी भी जो ग्लास है 2-3 बार तोड़ चुकी है अभी इसका 5-6 दिन पहले। और वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो सुबह मॉर्निंग से ज्ञान भी मेरे मोबाइल पे कार्टून वगैरह देख रही थी, और उसके बाद मेरी काफ़ी सारी MB इन्होंने 800 MB खर्च कर दी थी। फिर इनका फ़ोन जो आया नया, उसकी सेटिंग वगैरह की, तो इनकी सिम निकली थी तो उसमें भी काफ़ी सारी MB चली गई हैं। फिर मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बना के डाले थे तो थोड़ी बहुत बची हैं, तो इसलिए छोटा ही वीडियो डालेंगे जिससे कि अपलोड हो जाए, ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। और फिलहाल यहाँ का देखिए मौसम, व्यू कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे श्रीराम थोड़े से ये कहीं फंस रहा है, अब ठीक है, थोड़ा सा उलझ गया था तो मैंने कहा ठीक कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय।
हेलो फ्रेंड, तो ये हैं डिलीवरी वाले भैया फ्लिपकार्ट से, जो कि आज मेरा मोबाइल हमको डिलीवर करने आए थे। और इस मोबाइल की डिलीवरी बहुत फास्ट हुई थी। इस मोबाइल को मैंने कल 12 बजे के लगभग ऑर्डर किया था और आज ये मुझे रिसीव हो गया था 10 बज के कुछ मिनट पे। वैसे इसकी डिलीवरी दिखा रहे थे 21 तारीख की, पर आज मुझे रिसीव हो गया था। और पहले तो भैया मुझे फ़ोन ऐसे ही देने लगे, तो मैंने उनसे कहा नहीं भैया आप इसको अनबॉक्स कीजिए। बोले क्यों? मैंने कहा आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है तो विश्वास नहीं होता है। तो वो थोड़ा हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने अनबॉक्स किया और उसकी पिक्चर ली। और क्योंकि मैंने उनसे कहा अभी हम अंदर जाके इसको खोलें, पता चले कुछ और निकले तो मेरा ही इसमें नुकसान है, आप लोग मानोगे भी नहीं। आपके सामने आप अनबॉक्स करोगे तो कम से कम आपको तो पता रहेगा ना कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो ये है मेट्रोला का फ़ोन, बहुत अच्छा और लाइट वेट है और बहुत प्यारा लगा मुझे ये फ़ोन। ये फ़ोन मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया था, क्योंकि इनका फ़ोन 2-3 दिन पहले टूट गया था, मतलब ज्ञानवी ने तोड़ दिया था। वो बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं रहा था, ख़राब हो गया था। तो फ़ोन के बिना बनता भी नहीं है, इसलिए मुझे मंगाना पड़ा। ये मेरे हस्बैंड हैं जो उनको पैसे दे रहे थे। तो फ्रेंड, अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।